लॉकडाउन में पुलिस और मेडिकल टीम पर पथराव की घटनाएं कई राज्यों से सामने आ चुकी हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब ड्यूटी निभा रहे एक पुलिस कांस्टेबल को कुछ लोगों ने गोली मार दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रात में सड़क पर खड़े कुछ लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी थी। घटना राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहां कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कांस्टेबल शिवचरण मीना की मोहन नगर कॉलोनी में रात को ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान कुछ लोग बार बार घर से बाहर निकलकर कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांस्टेबल के मना करने से वो इस कदर गुस्से में आ गए कि जब वो ड्यूटी खत्म कर घर वापस लौट रहा था तो उसे इन युवकों ने रास्ते में ही दबोच लिया। कांस्टेबल की पहले तो जमकर पिटाई की गई, इसके बाद उस पर बंदूक से गोली चला दी गई। गोली कांस्टेबल के हाथ में लगी है, फिलहाल उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। मैं ड्यूटी करके आ रहा था, लॉकडाउन के सामने चार पाँच से आदमी इकट्ठा होकर लग रहे थे भीड़ पे। मैंने उनसे हटाया था, मैं तो मर जाओ लॉकडाउन का मैटर है। मैं पुलिस लाइन से दूर लेके आया था, उन्होंने मेरे सामने मोटरसाइकिल लगाई थी, पीछे आते ही उन्होंने इकट्ठा से मेरे साथ में फायर कर दिया था। मेरे हाथ में गोली लगी थी, वो गोली देने के बाद वो भाग गई थी। पुलिस के अधिकारियों ने इस घटना के बाद मौके वारदात से कई लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही गोली चलाने वाले शख्स को भी शिकंजे में लिया जाएगा। मुकदमा इस संबंध में थाना निहालगंज में दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई वो की जा रही है। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और तत्काल उनकी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की। कोरोना महामारी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान अक्सर उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। कुछ दिन पहले ही गश्त के दौरान टोंक जिले में भी पुलिस की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें 3 कांस्टेबल घायल हो गए थे। और अब एक बार फिर से धौलपुर में पुलिस पर हुई फायरिंग की घटना ने प्रशासन को और सख्ती करने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।